हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स, वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि मोशन को ग्राफ की हेल्प से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और हमने कौन से ग्राफ्स डिस्कस किए थे, उसमें हमने डिस्कस किए थे बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हमने सीखे थे उसमें। और हमने कुछ जो ग्राफ्स थे वो ऐसे बनाए थे, जैसे यहां पे मैंने आपको बताया था कि इस एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन रहता है, यहाँ पे हमेशा कौन रहेगा, टाइम रहेगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे रहेगा या डिस्टेंस या वेलोसिटी। एक्चुअली जो टाइम होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। और यहाँ पर वो क्वांटिटी आती है जो इस पे डिपेंड करेगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने बताया था आपको कि ऐसे बनाया जाता है, ऐसा बनता है कौन से मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कैसे मोशन के लिए बनाया जाता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाया जाता है। तो इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि दो पॉइंट्स आपको लेने हैं, यहां पे एक पॉइंट लोगे और ऐसे एक पॉइंट लोगे, इनको ऐसे मिलाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसकी वैल्यू लोगे आप और उसके बाद आप इसकी वैल्यू लोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा। स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली एक दूसरे की जगह यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में, बिकॉज हमारी जो सारी की सारी डिस्कशन है उस पूरी डिस्कशन में जो आपकी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। जब ये वाली कंडीशन होती है तो उस केस में आपकी स्पीड वेलोसिटी एक ही होती है और आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो भी एक ही वैल्यू होती है। फाइन, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हमने कर लिए बहुत अच्छे से। अब हमने नेक्स्ट करने हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। मतलब तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम लिखेंगे टाइम को और यहां पे हम किसको लिखेंगे, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने किस चीज के बारे में समझा, हमने ये समझा कि टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे चेंज होता है। और अगर टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होता है तो उस चीज को हम एक नया नाम दिया था हमने, दैट वाज कॉल्ड एज स्पीड और वेलोसिटी। अब हम यहां पे चेक करेंगे टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज कैसे होती है। और मैं आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं दैट द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी का जो चेंज है दैट इज कॉल्ड एज, हां जी क्या नाम है, जल्दी 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 बोलो क्या नाम है, यस करेक्ट, दैट इज एक्सेलरेशन। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से बनाता हूं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि यहां पर जितनी भी टाइम की वैल्यूज होंगी, यहां पे वैल्यू लेंगे हम, यहां पे हम वेलोसिटी की वैल्यू लेंगे, इसका मतलब होता है इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। अगर इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी का चेंज आ रहा है दैट मींस इस केस में एक्सेलरेशन कैसी होगी, एक्सेलरेशन होगी बेटा इस केस में यूनिफॉर्म, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, दैट्स इट। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज कर रही है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक्सेलरेशन है। अब अगर वो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ, अगर वो इक्वल अमाउंट का आ रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। और जब भी ग्राफ आपका ऐसे बनाया जाता है इसका मतलब होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है, दैट मींस अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनाया जाए तो इस केस में आपको क्या पता हो जाना चाहिए कि ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब ऐसी लाइन बनाते हैं तो वो किस चीज के बारे में हमें बताता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। देखो इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं ए बी, नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, ए बी बी सी एम एन पी क्यू कुछ भी। अब मैंने क्या किया, एक मैंने डॉटेड लाइन बनाई ऐसे यहां पे। अब ये कैसी शेप दिख रही है आपको, दिस इज द शेप ऑफ अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगुलर शेप का मैं एरिया निकाल सकता हूं। इस ट्रायंगुलर शेप का जब मैं एरिया निकालूंगा तो उस एरिया को जब मुझे निकालना है तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूंगा। बेस में क्या चल रहा है मेरा, टाइम, और हाइट में क्या चल रहा है मेरा, वेलोसिटी। तो दैट मींस जब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं तो मैं किन दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टाइम को और वेलोसिटी को।
समझ में आ रही है बात। और अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, डिस्टेंस, या मैं इसको बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट मैं आपको फिर बता रहा हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एज ऑफ नाउ हम सेम ही मान के चल रहे हैं, बिकॉज एक डायरेक्शन में बॉडी चल रही है सीधी लाइन में बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए। तो कहने का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में व्हेन यू विल कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व इट विल गिव यू द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वेलोसिटी इनटू टाइम इज योर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ओनली। जैसे कि जब हमने वेलोसिटी पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या हम बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूलाज हम कर चुके हैं। तो अगर मैं स्पीड या वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्टेंस और द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर शेप कुछ ऐसी बना दी जाती, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वीटी ग्राफ बोल सकते हैं इसको हम, अगर ऐसी शेप होती ए बी, पहले मुझे बताओ इस शेप का मीनिंग क्या है। आया यार, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे बना दूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ऐसे बना दूं, तो आप में से काफी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया इसका कि इस ग्राफ का मीनिंग है कि टाइम बढ़ता जा रहा है पर डिस्टेंस की वैल्यू सेम ही है। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट जहां पर है वो वहीं पे खड़ा हुआ है और टाइम आगे आगे बढ़ता जा रहा है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, क्योंकि यहां पे वैल्यूज होंगी ना 0, 1, 2, 3, 4, 5। मान लो यार मीटर्स में डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर पर ही रुका हुआ है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड टाइम इज गोइंग फॉरवर्ड देन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये बेटा एट रेस्ट का ग्राफ था। अब ऐसी शेप में अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो क्या इसको भी रेस्ट बोलोगे, नहीं रेस्ट क्यों बोलेंगे सर, यहां पे वैल्यूज लेते हैं 0, 1, 2, 3 और यहां पे आ गई वैल्यू 4। अब ये जो 4 की वैल्यू है ये किसकी है, वेलोसिटी की। दैट मींस बॉडी जो है वो टाइम के साथ साथ सेम ही वेलोसिटी से चलती जा रही है। तो वेलोसिटी अगर उसकी 4 थी तो अब वो चेंज नहीं कर रहा है अपनी वेलोसिटी को, तो वो 4 वेलोसिटी से ही चलता जा रहा है। दैट मींस ये ग्राफ किसका हो गया बेटा, ये हो गया आपका कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का। और ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये चीजें जो हैं अभी हम इसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाओ, साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे और हम इनको पढ़ते जाएंगे, फाइन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने कर लिए हैं और अब हम करना स्टार्ट करेंगे क्या चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हेडिंग हमारी आएगी इसमें अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है जी। तो इनके बारे में अभी हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी टाइम का, लाइक दिस डायग्राम। पहली बार में सीधी लाइन तो बनती नहीं है कभी, लेट मी ट्राई अगेन। सो चलो चल जाएगी, ये है एंड लाइक दिस, यहां पे है बेटा आपकी वेलोसिटी और यहां पे है आपका टाइम, और ग्राफ मैंने बनाया कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन। अब जब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इसका हम नाम दे सकते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं बी। तो व्हेन दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो जब टाइम एक्सिस के पैरेलल है, अभी मैं आपको समझा के हटाऊं इसका मतलब क्या है, यहां पे कुछ वैल्यूज होती 0, 10, 20, 30, मान लो यहां पे 40 था, तो टाइम तो आगे बढ़ता जा रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पर ये 2 पे भी 40 है, 3 पे भी 40 है, 5 पे भी 40 है। दैट मीन इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, 40 ही है, एग्जांपल से बता रहा हूं। सो दिस रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी,
या हम बोल सकते हैं इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन ही तो बोलते हैं हम जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है। तो ये ग्राफ बन गया, फाइन, ओके। अब हम क्या करेंगे, लेट मी जस्ट नाउ द सिमिलर ग्राफ है, सेम बना रहा हूं मैं। अरे वाह, लाइन बन गई सीधी। सो दिस इज अगेन, यहां पे वेलोसिटी है एंड दिस इज टाइम, फाइन, ओके। अगेन द लाइन लाइक दिस, ऐसे बनाई लाइन मैंने। अब नामकरण कर देते हैं इनका, दिस इज ए, दिस इज बी, फाइन। सो यहां से जस्ट लेट मी ड्रॉ विद दिस, ये अब कैसी शेप बन गई, रेक्टेंगुलर शेप बन गई। अब इसके अंदर के एरिया की अगर मैं बात करूं, ऐसे एरिया जो है बेटा ये वाला, दिस एरिया, नाम दे दें इसको कुछ और भी, सी डी। तो एरिया ए बी सी डी गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस के बारे में बताएगा या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं ऐसे एरिया के अंडर, फाइन। सो अब आप क्या करोगे, इसमें डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, बीसी विड्थ इंटू लेंथ इंटू सी इंटू डी। तो वैल्यूज अगर आपको दे रखी होंगी तो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, यहां से डिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हो, फाइन। सो जस्ट ड्रॉ दिस, जल्दी से बनाओ इसको, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, लेट अस सी। हां जी, डन, चलो। तो अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के साथ आपको खेलना आना चाहिए, ठीक है, कि अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ। तो चिंता नहीं करनी, जितने भी ग्राफ्स हैं यहां पे आपके लेवल में जो आने चाहिए वो सब में मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा, ओके। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा अगर आपका ऐसा बने, अगेन दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, फाइन, ओके। सो अब बेटा मैंने बना दी है लाइन ऐसे, पहले थी ऐसे, अब बना दी है ऐसे। माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। यहां पे अगर मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स ले लूं ऐसे, और यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स अगर ले लूं, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी तो आगे को बढ़ रही है, दैट मीन वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, और मैं आपको बता चुका हूं जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसका मतलब ये होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है। तो जैसे अगर मैं टाइम यहां पर लेना स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहां पे वैल्यू लेते हैं हम 10 20 30 40 50 60 70 80। तो 1 सेकंड में 10 का चेंज, अगले वन में भी 10 का चेंज, उससे अगले वन में भी 10 का चेंज। अब तो दैट मींस यहां पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है जिसको हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, वो कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट अमाउंट से चेंज हो रही है हमारी यहां पर जो वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम लेट अस से यहां पे नहीं, हम पॉइंट ले लेते हैं उसका 3 4 5 2 3। सो ये यहां पे आया, ये यहां पे आया, दिस ऑन दिस, दिस ऑन दिस, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं यहां पे, ठीक है,
तो ये पॉइंट अगर हमने ले लिया तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जैसे पहले बनाया था। ये वैल्यू बताओ कितनी है, ये पूरा कितना है 50, ये कितना है 30, तो ये 50 - 30 ये कितना हो गया 20। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे ये कितना है पूरा 4, ये कितना है 2, तो ये कितना हो गया 2, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ये भी हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड। सो 20/2 अगर मैं बात करूं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी में चेंज कितना है 20, टाइम कितना है बेटा मेरे पास 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 10 m/s², बिकॉज ऊपर मीटर पर सेकेंड और नीचे क्या बन रहा है हमारा सेकेंड बन रहा है, सो 10 m/s² जो आई हमारी एक्सेलरेशन आई। सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कि ऐसा मोशन जिसमें जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है मतलब कॉन्स्टेंट है, तो हर सेकेंड में 10 के हिसाब से जो है बेसिकली यहां पे जो वैल्यूज आ रही है आपकी वो हर सेकेंड में 10 m/s आपकी इंक्रीज होगी। जैसे यहां पे 2 सेकेंड में 20 इंक्रीज हुई और 4 में अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगी, तो हर सेकेंड में 10 इंक्रीज हो रही है, तो 10 m/s². अगेन अगर यहां पर भी मैं इसका एरिया ले लू तो वो मुझे किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन दैट टाइम। फाइन, तो यहां पे अगर मैं जनरलाइज्ड वैल्यू ले लू, यहां पे लेट अस से लाइक दिस, ये है यहां पे हमारी वेलोसिटी, यहां पे है हमारा टाइम, तो ये दो पॉइंट्स अगर हम ले लें यहां पे, इधर वैल्यू ले लेते हैं v1 v2, इधर हो जाएगा t1 t2, तो a हो जाएगा आपका v2 - v1 / t2 - t1, और ये है v2 - v1, क्लियर है। और एरिया अगेन आपको किसकी वैल्यू देगा, इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फाइन, ओके, चलो जल्दी इसको ड्रॉ करो, दो ग्राफ और बताता हूं मैं आपको कि उनको कैसे आपको एनालाइज करना है। हां जी, डन, ओके। तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके सामने दो बनाने वाला हूं, उसको देखते हैं कि उसको आपको रीड करना आना चाहिए, रीड करना कि देख के बता पाओ क्या चल रहा है उसमें, है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, लाइक दिस, एक ये बनाएंगे ग्राफ, एक ग्राफ हम यहां पे बनाएंगे v t, एक ग्राफ तो बेटा बना आपका ऐसे, एक ग्राफ मैंने बनाया ऐसे 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 ऐसे। अब इनकी नेमिंग्स कर देते हैं, यहां पे a है, यहां पे b है, a b c d, क्लियर है। अब देखो, अब जब ग्राफ मेरा पहले ऐसे बन रहा था, लाइन मेरी स्ट्रेट थी, देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है उतने पोर्शन में वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। एक बार माइंड में बिठा लो आपसे, जितना पोर्शन आपका स्ट्रेट होता है उतने पोर्शन में वैल्यू सेम होती है, स्ट्रेट सेम। तो जितने पोर्शन में आपकी जो शेप है वो एक स्ट्रेट लाइन है उतने पोर्शन में वैल्यू सेम रहती है। जैसे पिछले ग्राफ में मैंने ऐसे बनाया तो उतने पोर्शन में वैल्यू उतनी ही थी वैल्यू, जैसे पिछले केस में हमारा जो आंसर आया था दैट वाज 10 m/s², तो इस पूरे ग्राफ में वो 10 ही था, चाहे यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, तो स्ट्रेट लाइन में वैल्यू 10 ही रहती है, अब मतलब सेम रहती है। अब स्ट्रेट लाइन तो यहां पर भी है, दैट मीन्स क्या वैल्यू यहां पर भी सेम है, बिल्कुल सेम है। तो सर पिछले और इसमें फर्क क्या हुआ, फर्क आपके सामने है, पिछले केस में लाइन ऐसे थी मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही थी,
पर यहां पे टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है। अब वेलोसिटी कम जब होती है आपको उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। सो ये वाला ग्राफ आपका क्या बताता है, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैसी नेगेटिव एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट वैल्यू एक ही रहेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वैल्यू उसमें क्या रहती है, सेम स्ट्रेट लाइन पे सेम वैल्यू, स्ट्रेट लाइन पे सेम वैल्यू, ये आपको इसमें बेटा याद रखना है। सो ये वाला जो लेफ्ट वाला ग्राफ है इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, रिप्रेजेंट्स मोशन विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है। और एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी का चेंज होना उसकी वजह से एक्सेलरेशन। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि कम हो रही है। यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। यहां पे अगर मैं बात करूं ए से लेके बी तक वेलोसिटी बढ़ रही है, बी से सी कम हो रही है, सी से डी फिर बढ़ रही है, डी से ई फिर कम हो रही है, दैट मीन्स क्या यहां पे यूनिफॉर्मिटी है, बिल्कुल नहीं है। सो दिस रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहां पे वैल्यू कुछ और होगी, यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। दैट्स इट। आपको जो क्लास नाइन्थ के हिसाब से जितने ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए और जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो इतने ही हैं। इनको बार बार आपको रिवाइज करना है, जल्दी से ड्रॉ करो, फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा अभी। यस, राइट इट डाउन। ओके, सो बेटा अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको करवाने वाला हूं ना, वो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में जो पेपर होते हैं ना आपके, तो स्कूल एग्जाम में ये डेरिवेशन एक्चुअली और न्यूमेरिकल्स भी यहां से निकल के आते हैं। तो दिस इज अ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो इनको बोलते हैं, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन, कि जब भी कोई बॉडी आपकी मोशन कर रही है तो उसमें आप इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। वो इक्वेशंस डिराइव करेंगे अच्छे से और उनको मैं बॉक्स में डाल दूंगा जिनको आपको याद करना है। बट एक बात ध्यान में रखना, दीज आर एप्लीकेबल। ये किस केस में एप्लीकेबल है, सिर्फ ओनली व्हेन एक्सेलरेशन, ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं हम उसको। तो इन कंडीशंस के लिए ये वाली जो तीन इक्वेशंस हैं ये वैलिड है। दैट मीन्स ए एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होना चाहिए, चेंजिंग नहीं होना चाहिए कि कभी 20 होगा, कभी 30 होगा, कभी 40, एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो आप उसके लिए इन इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हो। फाइन, सो इंपॉर्टेंट है ये, इसको अंडरलाइन करेंगे आप, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, वहीं पे एप्लीकेबल है ये। अब एक ग्राफ हमें यहां पे बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसी को हम यूज करेंगे और अपना सारे का सारा डेरिवेशन करेंगे। ग्राफ अभी आप बना चुके हैं सारे, तो यू मस्ट बी कंफर्टेबल नाउ इन दीज ग्राफ्स। तो ये बेटा यहां पे मैं बनाने वाला हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पे ये वेलोसिटी का एक्सिस है, फाइन, ये वाला यहां पे, एंड दिस इज टाइम एक्सिस, और ये लाइन कुछ ऐसे बन रही है। अरे सर ये कहां से बना दिया, यहां से स्टार्ट होना था। बेटा रटना नहीं है चीजों को, यहां से मैंने स्टार्ट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पहले मैं ऐसे बना रहा था VT ऐसे, इसका मतलब पता क्या होता है कि जब मेरा टाइम जीरो है तो मेरी वेलोसिटी भी जीरो है। पर अगर मैं इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना दूं तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब तो वही है अभी भी इसका कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, बट
जब टाइम जीरो है तो यहां पे इसकी कुछ वैल्यू होगी 10, 20, 30, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एनालिसिस तो वैसे ही रहेगा। लाइन तो सीधी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, और आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मोशन तो है ही है। तो जैसे मैंने आपको भी समझाया है नाम के थ्रू आपको कैसे लर्न करने हैं मोशंस, वो चीज है, क्लियर है। चलो अब यहां पे कुछ नेमिंग्स करते हैं। आपको याद है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम अज्यूम करते हैं यू, और इनिशियल वेलोसिटी होती कौन सी है, जो टाइम जीरो पे लेते हैं हम। तो टाइम जीरो कहां पे होगा, यहां पे, फाइन। तो जीरो पे वेलोसिटी कितनी हुई, यू। अब मैं बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहां पे पहुंच के हो गया टाइम टी, और जैसे ही टाइम टी हुआ तो यहां पे बेटा मेरी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, दैट इज वी। ये मैंने बताया था ना आपको, इनिशियल वेलोसिटी होती है यू, टी टाइम के बाद वी बन जाती है वो, फाइन। सो यहां पे लेट बॉडी इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेट अ बॉडी इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एज शोन इन द ग्राफ। तो ग्राफ पे मैंने क्या शो किया है, फिर से बता रहा हूं, जब मेरा टाइम मेरा जब जीरो है तो वेलोसिटी कितनी है, यू। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, फाइन। देन टाइम टेकन कितना है, टी। टाइम टेकन है टी, मतलब टी टाइम लेने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, दैट इज वी। तो इनिशियल यू थी, टी टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, और यहां पे हम एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है उसको ले लेते हैं ए, क्लियर है। तो ये ग्राफ आया समझ में, यहां से स्टार्ट कर दूं तो कोई इसमें चेंज नहीं आया है एक्सेप्ट जीरो टाइम पे वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है, फाइन। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको यहां पे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड लाइन से। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको हम ये यहां पे हमने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद इसको हम नेमिंग दे देते हैं, यहां पे दिस नेम इज ए, बी, सी, दिस इज डी, फाइन। और इसको भी यहां पे ऐसे मैं ज्वाइन कर देता हूं, दिस इज ई। तो बेटा ऐसा है कि यहां पर जो है ना ग्राफ तो आपका इतना सा है सिर्फ, बाकी हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया ताकि यहां पे शेप्स बन जाए जिनको हम यूज कर सकते हैं, फाइन, ओके। तो चलो सबसे पहला जो हमने रिलेशन निकालना है इन इक्वेशन ऑफ मोशन की, अगर मैं बात करूं तो इसमें बेटा तीन टाइप के रिलेशन है जिनको हमने यहां पे अभी स्टडी करना है, फाइन। और वो तीनों के नाम है जिनको आपको याद रखना है, वो क्या क्या नाम है इनके। सबसे पहला है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फर्स्ट वन इज योर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, की वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन निकल के आता है, फाइन, ओके। तो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या होती है, आपकी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वी नो जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब आप मुझे बताओगे जीरो से टी टाइम जब मैं गया तो टाइम मैंने कितना लिया, टी माइनस जीरो टी, मेरी वेलोसिटी यू से वी गई, ये यहां पे वैल्यू कितनी है मेरी, वी। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, दैट इज वी माइनस यू, सो दिस इज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो वेलोसिटी में जो चेंज आया इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बीई अपॉन टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय डीसी, और बीई को मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस बी इज बीसी माइनस ईसी अपॉन डीसी।
ए हो जाएगा आपका बीसी की वैल्यू पूरी है कितनी है, बीसी वी है, माइनस ईसी की वैल्यू कितनी है, ये आपकी कितनी है यू है, अपॉन टी, ये बन गया आपका फाइन। सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, तो यहां से बन जाएगा, इधर लिख रहा हूं मैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको बॉक्स में डाल लेना और इसको नोट डाउन करो जल्दी से। फाइन, तो इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन जो हमने करना है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिलेशन, और उसका जो नेम है अब मैं थोड़ी सी यहां पे स्पेसिंग बनाऊंगा। फाइन, सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। सो कहां से रब करें इसको हम, लेट मी रब फ्रॉम हेयर ओनली, ग्राफ की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी। सो ये हो गया हमारा ऐसे। अब सेकंड जो बेटा हमारा रिलेशन है दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं इसको, पोजीशन टाइम रिलेशन। सो पोजीशन टाइम रिलेशन में अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्टेंस और द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक और बात ध्यान से सुन लो अभी, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो इन इक्वेशंस में जो भी एस होगा आपका, एस मींस जो भी यहां से एरिया आएगा, यहां पे हम पोजीशन टाइम, यहां पे आप एक चीज ऐड कर लेना, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम रिलेशन और पोजीशन टाइम रिलेशन, ये मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे जो भी हम यहां पे वैल्यू भी निकालेंगे ना, वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ही होती है। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, आप प्लस वन में जाके इस मोशन को पढ़ोगे, तो जब आप यहां पे पोजीशन टाइम रिलेशन को कैलकुलेट करोगे डेरिवेशन के थ्रू, तो आप डायरेक्टली उसमें बोलोगे इट इज द डिस्प्लेसमेंट। फाइन, तो यहां पे क्लास नाइन्थ में हम इसको ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही हम इसको पढ़ेंगे, ये भी बिल्कुल सही है, बस कंडीशन वही है कि डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, बट जनरल फॉर्म में वो डिस्प्लेसमेंट ही होती है। तो डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन by area under AB. AB के अंडर कौन सा एरिया, ये पूरा A B E C D. So area under AB is equal to area, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इसमें ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में, ट्राइंगल है ABE, एरिया ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ए ई सी डी, ए ई सी डी। फाइन, तो यहां पे अगर मैं एबी के अंडर बात करूं तो एबी एरिया और इसके अंडर ये वाला एरिया, क्लियर है? तो ट्राइंगल का एरिया तो आप सभी को पता है कितना होता है, और एरिया अंडर एबी हमें क्या देगा, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, मैं इस एस की बात कर रहा था। तो जब आप हायर क्लासेस में जाके इसको फिर से पढ़ोगे तो वहां पे बहुत ही क्लियरली आपको बताया जाएगा कि एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। फाइन, सो बुक में क्योंकि ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे ही स्टडी करेंगे। तो एरिया अंडर एबी एस इज इक्वल टू ट्राइंगल एबी का एरिया बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा एई, हाइट कितनी है हमारी बीई, प्लस ए ई सी डी रेक्टेंगल के एरिया क्या होगा, डी सी इंटू ई सी, क्लियर? सो एई, एई की वैल्यू कितनी है बेटा टी, और बीई की वैल्यू कितनी है आपकी दिस, फाइन, कितनी है वैल्यू आपकी ये बीई, बीई की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे मैंने निकाली थी अभी, बीई की वैल्यू
BC minus EC, that is V minus U. ठीक है जी, प्लस DC. BC कितना है मेरा 3, ये DC की बात करो, और EC कितना है मेरा U. क्लियर है? सो लेट मी जस्ट क्रिएट सम स्पेस नाउ. ओके, सो दिस इज लाइक हाफ इंटू टी. अच्छा मुझे एक बात बताओ, v माइनस यू को मैं एटी लिख सकता हूं? एटी प्लस यू टी, ब्रैकेट में लिख लेना, यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को यूज किया हमने यहां पे, v माइनस यू को एटी पुट किया, तो हाफ एटी स्क्वेयर प्लस यू टी, ये s चल रहा है यहां पे, तो s बन गया आपका ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड रिलेशन, पोजिशन टाइम रिलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये, तो इसमें आपको याद रखनी है जी. जस्ट नोटेड डाउन अगेन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. क्लियर? सो पोजिशन टाइम रिलेशन में आपका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. एंड द नेक्स्ट वन इज द, जो नेक्स्ट आपका रिलेशन है जो हमने अभी करना है, उसका नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. तो इसको भी मैं रब कर रहा हूं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. ये जो मैंने बॉक्सेस में डाले हैं बेटा, ये हैं आपके इंपॉर्टेंट रिलेशन, जहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं और न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए. ओके, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. ओके, अगेन इसको करने का तरीका, एबी के नीचे का एरिया कैलकुलेट करते हैं. एरिया अंडर एबी. अब आप क्या करो, इस शेप को ऐसे मत देखो कि ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल से बना है, आप इसको देखो थोड़ा सा गर्दन को ऐसे करके, ऐसे करके, तो आपको ये शेप जो दिखेगी वो ट्रेपीजियम जैसी दिखेगी. ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं. इसमें ए डी और बी सी पैरेलल है, और इसमें ए बी और सी डी नॉन पैरेलल है. और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स कौन सी है, एडी प्लस ये है आपका बीसी, और हाइट कितनी है बेटा आपकी, ये सीडी. ध्यान से देख लो, हाफ इंटू सम, ये पैरेलल साइड्स हैं और ये आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और यही आपकी यहां पे क्या होती है, हाइट होती है ट्रेपीजियम की. सो हाफ इंटू एडी कितना है आपका, एडी, दिस इज योर यू, प्लस बीसी कितना आपका, बीसी, दिस इज वी, सीडी कितना आपका, टी. फाइन. नाउ वी नो, हमें क्या पता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वी माइनस यू हो जाएगा एटी, टी हो जाएगा आपका वी माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी. तो इसको बोल लो टू, इसको बोल लो वन, या चल रहा है आपका s, पुट वैल्यू ऑफ टू इन वन. तो s इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, टी की जगह इसको पुट कर दो यहां पे, तो ये बन गया आपका s इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन टू ए. मैथ्स में आइडेंटिटी की होगी आपने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहां कर रहा हूं मैं इसको, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, तो आ गया आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस. क्लियर? सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तीनों की तीनों इक्वेशन जो है बेटा, इनको आप बॉक्सेस में डालो, बिकॉज यहां से न्यूमेरिकल आते हैं, और अभी इस टॉपिक के बाद जो आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और करवाऊंगा उनको.
जल्दी से जस्ट नोट इट डाउन सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल्स. फाइन. ओके, तो चलो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स जो आपको दिए हुए हैं एक एक करके हम इन सारे, और इनमें यही यूज होने जो आपने बॉक्सेस में किए ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं. अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो जैसे जैसे पहले मैं पूरा रीड कर देता हूं. बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स. फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अब क्वेश्चन को रीड करते रहते हैं और वैल्यूज को हम लिखते रहते हैं. अब वैल्यूज यहां पर दे रखी है आपको, क्या क्या है. रेस्ट से स्टार्ट किया उसने, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, जीरो. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है वो, a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम कितना लिया उसने ऐसा करने में, t इज इक्वल टू 2 मिनट्स. और 2 मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकेंड्स में, 2 × 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड होते हैं ये. ओके, सो स्पीड अक्वायर्ड मतलब फाइनल वेलोसिटी आपसे वो पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब एस बी आपसे पूछ रहा है. तो आपके पास इक्वेशन है, लगाओ सीधा. सो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं. तो वी इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0.1, टी की वैल्यू कितनी है 120. सो वी इज इक्वल टू 1/10 इंटू 120. तो वी आ जाएगा बेटा आपका 12 मीटर्स पर सेकेंड. फाइन. और दूसरी वैल्यू हमें बतानी है एस की, डिस्टेंस. तो एस इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट हियर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT² 0 × 120, तो 0 ही हो जाएगा, 1/2 × 0.1 × T² 120 का स्क्वायर. तो एस बन जाएगा आपका 1/2 × 1/10 × 120 × 120. ये तो ऐसे चला जाएगा, 2 × 6 = 12, 12 × 6 = 72, 720 मीटर. समझ में आ रही है बात. सो दिस इज योर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 1. सेकंड देखते हैं. ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h. ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मतलब रिटार्डेशन है. Find how far the train will go before it is brought to rest. Okay, question read करते हैं, values लिखते जाते हैं साथ साथ. Train is traveling at a speed of 90 km/h. Initially 90 से चल रही है. U ले लेंगे इसको हम, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 90 × 5/18. ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 18 × 5 = 90 होता है, तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. अच्छा, फिर ब्रेक लगाई हमने और ट्रेन रुकेगी ऑब्वियसली ब्रेक लगाने पर, तो एक्सेलरेशन आपको -0.5 m/s दे रखा है, और क्योंकि रुक रही है ट्रेन तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी. अब बताना है कितनी दूर तक ट्रेन जाएगी रुकने से पहले, तो आपको यहां पे क्या बताना है, एस की वैल्यू बतानी है. अब आपको ना हर बार क्वेश्चन को रीड करके ये दिमाग लगाना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लग सकती है. लग तीन हो सकती है, पर आपको वो वाली लगानी है जिससे आपका आंसर आ जाए. तो इसको पढ़ के मुझे v है, u है, a है, और मुझे ऐसे निकालना है. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2as. तो v कितना है यहां पे, 0. u कितना चल रहा है मेरा, u². सो यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी u², 25 का स्क्वायर प्लस 2 × -0.5 एक्सेलरेशन की वैल्यू, और ऐसा आ गया हमारा. तो 2 × 0.5 = 1 होता है, तो 0 = 625 − 1 × s. तो s को इधर ले आओ, ऐसा आ जाएगा 625 मीटर्स. तो ये आपका सेकंड प्रॉब्लम का आंसर आ गया. थर्ड, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ट्रॉली है इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ जा रही है, उसके पास एक्सेलरेशन है 2 cm/s², व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट. अब ट्रॉली जब जा रही है नीचे, जब भी ऐसा कुछ
मेंशन ना किया हो कि उसको आपने धक्का दिया, तब तक आपको क्या मान के चलना है कि वो इनिशियली रेस्ट से चली है। तो यहां पे आपको यू को मान लेना है रेस्ट। एक्सेलरेशन है उसकी 2 cm/s² और आपको क्या पूछ रहा है वो 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है। तो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो वेलोसिटी आपको बतानी है यहां पे। अब वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो वी हो जाएगा आपका 0 + 2 × 3। तो जैसे ही बेटा आप इसको सॉल्व करके 6 करोगे ना, तो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि तो जल्दी जल्दी नहीं हो आप। तो यहां पे सेंटीमीटर को मीटर में भी तो करना है ना आपको, तो आपको क्या करना है इसको 100 से डिवाइड कर देना, 2/100 करोगे तभी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा ना। सो दिस विल बी 0.06 m/s। कन्वर्ट नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, तो ये बनेगा 0.02 m/s². क्लियर है? सो ऐसे आपने करना है। तीनों क्वेश्चन हो गए। फोर्थ देखते हैं। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4। डिस्टेंस पूछ रहे हैं वो आपसे, व्हाट विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। सो लेट मी जस्ट क्रिएट सम स्पेस। इनको नोट डाउन करते रहना, साथ साथ वीडियो को पॉज कर लिया करो। और हां, जब भी मैं क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूं ना, तो कोशिश करो मेरे सॉल्व करने से पहले आप उसको खुद सॉल्व करो एक बार। खुद जब सॉल्व करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी उसमें। सो रेसिंग कार है, उसकी एक्सेलरेशन आपको दे रखी है 4। तो फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इज 4 m/s² और वो पूछ रहे हैं आपसे स्टार्ट हुई है जहां से, तो यू 0 है। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा उसने 10 सेकंड में। 10 सेकंड दे रखा है आपको और एस निकालना है। तो कौन सी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रही है? यू टी ए एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT². तो एस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यू 0 है, प्लस 1/2 × 4 × 10² तो दिस इज 1/2 × 4 × 100। सो एस कम्स आउट टू बी 200 m। तो 200 मीटर जो है वो इसका आंसर आएगा। फाइन, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 m/s इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ध्यान से, आपने फेंका है ऐसे स्टोन, कितनी स्पीड से फेंका ऊपर? 5 m/s से। अब उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रही है वो कितनी लग रही है? 10 की लग रही है, पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ध्यान से सुनो, स्टोन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हुई ना क्योंकि वेलोसिटी को कम करेगी, ए को -10 हो गया। व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन, कितना टाइम उसको लगेगा वहां पहुंचने में? एस आपको बताना है और टी बताना है कितना टाइम। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, एक स्टोन ऊपर फेंका उसको, तो ये आपका यहां तक गया मान लो, तो ये हाइट जो है दैट विल बी इक्वल टू एस। और टॉप पे जब कोई चीज जाती है ऐसे आप उसको फेंकते हो, तो टॉप पे जब पहुंचती है वो मैक्सिमम हाइट पे, वहां पे जाके रुकती है। दैट मींस यहां पे अगर यू मेरा 5 था तो टॉप पे वी कितना हो जाएगा? 0। बिकॉज जब किसी भी चीज को ऊपर थ्रो करते हो, बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया, तो ऊपर जाके रुकेगी, उसके बाद ही तो नीचे आएगी ना। तो यू 5 है, ऊपर वी 0 है। तो पहले हम काम करते हैं, टी निकाल देते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो आप पे जाके वी 0, यू 5, एक्सेलरेशन आपको -10 दे रखा है, टी निकालना है। तो 10t इज इक्वल टू 5, टी इज इक्वल टू 5/10, 1/2, तो टी आ जाएगा 0.5 सेकंड, आधा सेकंड लगेगा। एंड एस निकालना है आपको, v² - u² = 2as। टॉप पे जाते v तो 0 हो जाएगा, -u² 5² = 2, एक्सेलरेशन -10 × s। सो -25 = -20s, ये गया ऐसे, 25/20 = s, 5 5s 5 4s, सॉल्व करोगे तो s आ जाएगा 1.25 m। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। फाइन, सो दीज आर द क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन दे रखे थे आपको एट द एंड ऑफ दिस यू कैन से टॉपिक।
फाइन। सो आई होप अब तक आपको क्या क्या बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हमने मोशन से स्टार्ट किया, क्या होता है मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स की हमने सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने इक्वेशन ऑफ मोशन करी जो कब एप्लीकेबल होती है, बताओ जल्दी बताओ कब एप्लीकेबल होती है, जब एक्सेलरेशन कैसी होती है आपकी, कॉन्स्टेंट होती है, फाइन। सो और उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किया, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको बहुत ढंग से नोट्स बनाते जाना है और बेटा इनको आप रिवाइज करते जाओ, फाइन। सो पिछली सारी वीडियोस अच्छे से देख लो, कॉपी मेंटेन करो, और आगे मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा आपको, जो पेंडिंग पार्ट है वो कवर करेंगे, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, फाइन। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।